आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में, आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के चार्ट में आ जाइए, फटाफट करा देता हूं, सुन लीजिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चार्ट। एवरीवन ओवर हियर नाउ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए। हाँ बाबा लिंकिंग देता हूं, सुन लीजिए। हमने स्टार्ट किया था जीएसटी सीखना गुड्स और सर्विस से। अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर दिया सर, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट होगा। इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा, इंट्रास्टेट पे सीजीएसटी लगेगा। ठीक है सर, एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा सर? कलेक्ट कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार आपने जो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स, आपको जीएसटी मिल जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को दे दोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। ठीक है सर, अब सुनिए, अब ये टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है, इनको आग थोड़ी लगा दोगे बेटा, इनका आप मेंटेन करोगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और यहां आता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर, सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 36, सी ग्रेडेड चैप्टर है। चलिए फटाफट क्लोज कर देते हैं। आ जाइए यहां पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में सेक्शन नंबर 35(1) आता है, जो बोलता है कि सर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उसका रजिस्ट्रेशन, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस बोला हुआ है वहां पे बेसिकली उसको अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ पीसीओस, पीसीओस मतलब प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स रिलेटेड अकाउंट्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, स्टॉक रिलेटेड अकाउंट्स, आईटीसी अवेल रिलेटेड अकाउंट्स, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 56। रूल नंबर 56 नीचे है। ठीक है सर, उसके बाद लोगों ने बोला कि सर अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करने हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला, मैं तो बोला हूं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। लोगों ने बोला सर हमारा मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ने बोला इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बोला हुआ है तो सर अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस एट सच एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां का अकाउंट्स मुझे वहां मेंटेन करना है। उसके बाद एक सर्कुलर आया कि सर ये जो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड होते हैं, यहां पे ऑक्शनियर्स आते हैं ऑक्शन कराने के लिए, और कॉफी टी जो सप्लायर्स होते हैं वो अपना कॉफी टी वगैरह टी बोर्ड में, टी सप्लायर टी बोर्ड में स्टोर करते हैं, प्लस ऑक्शनियर अपना सर्विसेज टी बोर्ड से सप्लाई करता है। तो ये तो उनके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गए। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप जब वहां अपना टी स्टोर कर रहे हो, प्लस ऑक्शनियर जब ऑक्शन कैरी आउट कर रहा है, तो आप लोगों को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उस जगह को डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। फिर हमने बोला सर अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब टी बोर्ड वाले क्या हमें अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वहां मेंटेन करने देंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला चल कोई बात नहीं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स तू अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही मेंटेन कर लेना। बस अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को बता देना कि सर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में हम अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद आता है कि सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं? गवर्नमेंट ने बोला मैनुअली भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब टैली वगैरह में भी मेंटेन कर सकता है। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया तो रूल नंबर 57 बोलता है कि सर बैकअप वगैरह लेते रहना, जब भी ऑफिसर डिमांड करेगा तो उसे दे देना। सर फाइल वगैरह शेयर कर देना और पासवर्ड वगैरह भी शेयर कर देना अगर मांगता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35(2) कि सर अगर आप रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, सर वेदर अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस, जो गोडाउन और वेयरहाउस चलाते हैं, और जो हर ट्रांसपोर्टर होता है, एवरी ट्रांसपोर्टर, इन लोगों को मेंटेन करना है अकाउंट्स रिलेटिंग टू Maintain the records relating to consigner, consignee and other relevant detail. Consigner, consignee and other relevant details इनको maintain करना है. उसके बाद बोला गया है rule number 58 में कि सर क्या records relevant details maintain करने हैं, तो government ने बोला owner, operator of warehouse या अगर transporter है तो सर अगर वो registered है तो उसके पास तो GSTIN number होगा. अगर उसका registration multiple states में है तो only for ई-वे बिल पर्पस, एक ट्रांसपोर्टर को अगर ई-वे बिल पर्पस का जनरेशन के लिए वो चाहे तो वो एक ट्रांसपोर्टर ओनली का केस में अगर उसका मल्टीपल जीएसटीआईएन नंबर है तो वो एक ऑब्टेन कर सकता है यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, और फिर उसका जीएसटीआईएन नंबर काम नहीं करेगा फॉर ई-वे बिल पर्पस जनरेशन. उसका जो यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर है वही यूज करना पड़ेगा उसे ओनली फॉर ई-वे बिल पर्पस. मैंने ये आपको पॉइंट बोला है. अब सुनिए, अगर ओनर ऑपरेटर ऑफ ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर है, रजिस्टर्ड है तो उसके पास जीएसटीआईएन नंबर रहेगा. अगर रजिस्टर्ड नहीं है ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर तो गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया है बेटा आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन को एनरोलमेंट लेना पड़ेगा और एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा. ओके सर. उसके बाद सर अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं तो मुझे क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, क्या क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, क्या क्या गुड्स ट्रांजिट के दौरान स्टोर करके रखे. सर रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स स्टोर्ड, गुड्स transported, delivered, stored in transit along with GSTIN number of registered consignor and consignee for each of his branches. सर आपको ये डिटेल्स रखने पड़ेंगे. अगर आप ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस हो तो आपको रखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स जो आपके वेयरहाउस में रहते हैं, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्पैच, मूवमेंट, रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स. ठीक है सर, कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया, कितने दिन आपके गोडाउन में थे. उसके बाद इन्होंने बोला है अगर आप ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस हो जो गोडाउन चलाता है तो सर आपको गुड्स ऐसे मेंटेन करने हैं, सर आपको रिकॉर्ड्स ऐसे मेंटेन करने हैं, आपको गुड्स ऐसे स्टोर करने हैं कि सच गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज एंड ओनर वाइज. मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर आके बोले कि रमेश सोनी के गुड्स कौन से हैं तो आप उसको बता सको ये रमेश सोनी के गुड्स हैं और ये 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 अलग अलग आइटम उसने स्टोर करके रखे हैं मेरे पास, ताकि फैसिलिटेट हो जाए फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय द प्रॉपर ऑफिसर. मुझे लगता है सेक्शन नंबर 35(2) पे एक छोटा सा क्वेश्चन, सी ग्रेडेड चैप्टर हो सकता है ये, लेकिन हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले. उसके बाद सेक्शन नंबर 35(3) कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ लोगों को नोटिफाई करके बोल सकता है इनको ये एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसके बाद अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. उसके बाद सेक्शन नंबर 35(4) बोलता है नोटिफाइड क्लास ऑफ पीपल को अगर कमिश्नर चाहे तो नोटिफाई कर सकता है और उनको रिलैक्स कर सकता है फ्रॉम मेंटेनिंग अकाउंट्स. मतलब कुछ कुछ अकाउंट्स के लिए उनको रिलैक्सेशन दे सकता है कि चलो ये सब आप मेंटेन मत करना. उसके बाद 35(5) डिलीट हो चुका है, ऑडिट का जो प्रोविजन था डिलीट कर दिया है. उसके बाद सेक्शन नंबर 35(6) आता है, ये बोलता है अगर आपके यहां ऑफिसर आया और देखा कि आपने कुछ चीजों का अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रखा है तो वे रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड सर्विसेज इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन नंबर 1. मतलब पीसीओएस का डिटेल आपने नहीं रखा है. 35(1) पीसीओएस की बात करता है तो सर उस केस में ये बोल रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन कर लेगा टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स एज इफ द गुड सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड बाई यू एंड सप्लाइड बाई सच पर्सन, और आप पे डिमांड ऑर्डर लगा देगा. ठीक है सर. उसके बाद बोला है सेक्शन नंबर 36 कि आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं कितने दिन के लिए, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है उससे 72 मंथ्स के लिए आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू ईयर मेंटेन करना है. सर समझ लीजिए मैं पार्टी टू अपील हूं तो बात याद रखिएगा अगर आपका कोई ईयर का अपील चल रहा था, कोई भी अपील रिवीजन या प्रोसीडिंग चल रहा था बिफोर द कोर्ट, तो सर उस केस में बोला है कि सर आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील, रिवीजन और प्रोसीडिंग. एक बार अपील, रिवीजन या उसका प्रोसीडिंग का फाइनल डिस्पोजल हो गया उसके बाद 1 ईयर और 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर तक, और 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर तक आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. याद रखिएगा एंड जिस साल का एनुअल रिटर्न जो फाइल करने का ड्यू डेट है उससे 72 मंथ्स, और अगर उस साल का समझ लीजिए अपील चल रहा था, जब अपील का फाइनल ऑर्डर आ गया उससे 72 मंथ्स, उससे 1 ईयर तक आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। 1 ईयर यहाँ, 72 मंथ्स यहाँ, तो सर विच एवर इज लेटर तक आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं रिलेटिंग टू दैट ईयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 56। रूल नंबर 56 में बोला गया है कि सर क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। देखिए यहां बोला था पीसीओज मेंटेन करने पड़ेंगे एज फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज प्रेस्क्राइब। तो सर ये सच अदर पर्टिकुलर्स एज प्रेस्क्राइब होता क्या है, तो गवर्नमेंट ने यहां बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, रूल नंबर 56(1) बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एडिशनली क्या बोल रहा है ये, सर गुड्स जो आपने इंपोर्ट किए उसका डिटेल्स, सर एक्सपोर्ट किए उसका डिटेल, सप्लाई जिस पे आरसीएम अट्रैक्ट हो रहा है, इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, सारा कट आपको सारा मेंटेन करना है, उनका सारा का बेसिकली ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स मेंटेन करना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3, रूल नंबर 56(2) बोला, सब रूल 2 बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन शैल मेंटेन डिटेल्स रिलेटिंग टू स्टॉक, कि सर कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना रिसीव किया, कितना सप्लाई किया, कितना लॉस्ट हो गया, कितना स्टोलन हो गया, कितना डिस्ट्रॉयड हो गया, कितना गिफ्टेड था, कितना फ्री सैंपल था, सारा स्टॉक रिलेटेड डिटेल आपको मेंटेन करना है। लेकिन सर डिस्कस द रिकॉर्ड्स नॉट टू बी मेंटेन बाय कंपोजिशन डीलर। याद रखिएगा कंपोजिशन डीलर स्टॉक रिलेटेड डिटेल्स मेंटेन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा कंपोजिशन डीलर स्टॉक रिलेटेड डिटेल्स मेंटेन नहीं करेगा। उसके बाद एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडवांसेस, कितना एडवांस मिला, कितना दिया, कितना एडजस्ट कर लिया, सारा डिटेल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 56(4) कि सर हर एक पर्सन को मेंटेन करना पड़ेगा अदर देन कंपोजिशन डीलर मेंटेन अकाउंट्स ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग आरसीएम, टैक्स पेएबल रिलेटेड डिटेल, कितना कलेक्ट किया, कितना पे किया, कितना आईटीसी क्लेम किया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान, सारा डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा, और ये डिटेल कंपोजिशन डीलर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है रूल नंबर 56(5) जो बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन डिटेल्स ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट एंड स्टोर हाउस, कौन मेरे सप्लायर है, कौन मेरे रिसिपिएंट है, और सर मेरे जो स्टोर हाउसेज हैं उनका डिटेल्स भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। याद रखिएगा अगर आप गुड्स को ऐसी जगह स्टोर कर रहे हैं जिसको आपने अपना एडिशनल प्लेस डिक्लेयर ही नहीं कर रखा है, तो सर अगर ऑफिसर ने पकड़ लिया तो ऑफिसर ऐसा मान लेगा कि आपने वो गुड्स को सप्लाई कर दिया है, और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स डिटरमाइन करते हुए डिमांड ऑर्डर चिपका देगा। सर अगर मैंने कोई रॉन्ग एंट्री कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री का केस में हमेशा याद रखिएगा रॉन्ग एंट्री ऐसा नहीं है थूक लगा के हटा दिया, रबर से पोंछ दिया, नहीं बेटा ऐसा मत करना। रॉन्ग एंट्री का केस में अगर क्लरिकल एरर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आप रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड कर लिए अदर देन क्लरिकल एरर, तो आप उसको स्कोर आउट करके अटेस्टेशन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि थूक लगा के पोस्ट दिया, ऐसा मत कीजिएगा। यही बोला है यहाँ पे कि सर इट शैल नॉट बी इरेज्ड और इफेज्ड और ओवर रिटर्न इनकरेक्ट एंट्री, अगर कोई क्लरिकल एरर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अदर देन क्लरिकल एरर आपको स्कोर आउट करना पड़ेगा अंडर अटेस्टेशन, और उसके बाद सही एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, तो उस केस में जो गलत एंट्री है उसका आपको लॉग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद एजेंट को क्या क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एजेंट को जो प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन मिला है, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल टू रिसीव एंड सप्लाई द गुड्स, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द गुड्स विच ही हैज रिसीव्ड, जो गुड्स उसे आए, जो गुड्स उसने सप्लाई कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, वो मेंटेन करना है। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल एंड टैक्स पेड ऑन द रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, जो आपने अकाउंट सेल अपने प्रिंसिपल को दिया है कि सर इतना गुड्स बेचा, इतना कमीशन बनता है, वो सारा डिटेल जो आपने प्रिंसिपल को दिया था वो अकाउंट्स भी आपको मेंटेन करने हैं। उसके बाद बोला गया है कि सर अगर मैन्युफैक्चरर है तो क्या मेंटेन करेगा, सर जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए उसका क्वांटिटेटिव डिटेल, सर Maintain monthly production account showing quantitative detail of raw material है, कितना सर्विस आपने, कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितना सर्विस यूज किया, क्या क्या गुड्स मैन्युफैक्चर किए, क्या स्क्रैप जनरेट हुआ, क्या बाई प्रोडक्ट जनरेट हुआ। उसके बाद अगर मैं एक सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो मुझे क्या डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मुझे क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, सर्विस देने में मैंने क्या क्या गुड्स यूज किए, उसके अलावा क्या क्या मैंने इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज किए और क्या क्या सर्विस मैंने सप्लाई किया, सारा डिटेल मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। सर अगर मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं तो सर मुझे क्या डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा, इन्होंने बोला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसके लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया, सर डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड, और जो आपने यूटिलाइज किए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करने में, हर एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने क्या क्या गुड्स रिसीव किए और क्या क्या गुड्स यूटिलाइज किए, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव, जो जो आपको पेमेंट मिला विद रेस्पेक्ट टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और सर नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम होम यू हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विस, सर जो जो आपके बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनसे आप गुड्स एंड सर्विस लेते हैं तो उनका डिटेल्स भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद सर अगर मैं एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हूं तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड विथ रेस्पेक्ट टू जो जो गुड्स मैंने हैंडल किए हैं, और प्रोड्यूस करना पड़ेगा डिटेल्स जब भी प्रॉपर ऑफिसर मांगेगा। देखिए बाबा एक सी ग्रेडेड चैप्टर है, मुझे लगता है 35(2) अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन नंबर 36 एक अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा कौन सा डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय कंपोजिशन डीलर, एजेंट क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करेगा, सी एंड एफ एजेंट के लिए भी मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, बस इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन मुझे लगता है इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, सी ग्रेडेड चैप्टर 2 से 3 मार्क मैक्स बाई चांस।